केंद्र सरकार ने बुधवार 14 अगस्त को 1993 बैच के IRS अफसर राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय ED का फुल टाइम डायरेक्टर नियुक्त किया है। वे संजय कुमार मिश्रा की जगह लेंगे। बिहार के रहने वाले राहुल अभी ED के एक्टिंग डायरेक्टर का पद संभाल रहे थे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि राहुल का कार्यकाल 2 साल या अगले आदेश तक रहेगा। वे साल 2019 में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर ED में शामिल हुए थे। 15 सितंबर 2023 को संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राहुल को एक्टिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। इंटरनेशनल टैक्सेशन मामले के एक्सपर्ट राहुल नवीन के कार्यकाल में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और झारखंड के CM हेमंत सोरेन जैसी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई थी। राहुल नवीन ने IIT कानपुर से BTech और MTech किया है। उन्होंने मेलबर्न में स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से MBA भी किया है। उन्होंने 30 साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी काम किया है। वे इंटरनेशनल टैक्सेशन मामलों के एक्सपर्ट हैं। कोलकाता के संदेश खली में ED टीम पर हमले के बाद नवीन पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। उन्होंने अपने अधिकारियों से बिना किसी डर के काम करने और मजबूत केस बनाने को कहा था। राहुल ने ED के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच किए जा रहे सभी मामलों में समय पर चार्जशीट दाखिल करें। एक नजर हम अगर ED के पूर्व डायरेक्टर संजय मिश्रा पर डालें तो ED के पूर्व डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर 2023 को खत्म हुआ था। वे लगभग 4 साल 10 महीने ED निदेशक रहे थे। संजय को पिछले साल 18 नवंबर को रिटायर होना था। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया था, जबकि कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल न बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर थे। इस दौरान ही सरकार को नए चीफ की नियुक्ति करनी थी। केंद्र सरकार ने 26 जुलाई 2023 को संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। केंद्र का कहना था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है, इसलिए संजय को 15 अक्टूबर 2023 तक पद पर रहने दिया जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को तर्क दिया था कि संजय मिश्रा की जगह लेने के लिए अभी कोई दूसरा अफसर तलाश नहीं किया जा सका है। वे अभी मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में नई नियुक्ति के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। वी हैड कन्वीन ए मीटिंग ऑफ AACC जनरल सेक्रेटरीज इंचार्जेस एंड PCC प्रेसिडेंटशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, including leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi. 56 leaders attended in this meeting. Out of 56, 38 people had given their valuable suggestions on the agenda of the meeting. Basically, today we had discussed about the one of the biggest scam is happening in the country nowadays is that is Hindenburg revelations in the scam related to Adani and SEBI. We unanimously decided to have a national wide agitation on this issue demanding two things. One is a JPC inquiry on Adani Megascam in which the Prime Minister is fully involved and in which the financial market regulation has now been found to have been severely compromised. Honorable Congress President and Rahul Gandhiji already put forward their view very strongly today. The meeting of the General Secretaries and Incharges and PCC President unanimously supported that view and we have adopted that. There will be a massive national level agitation on 22nd of August throughout the country. In state headquarters, we will garrow the Enforcement Directorate office. Thousands of Congress workers will garrow the ED office in each state capital on 22nd, demanding these two issues. One is SEBI chairman has to be removed from that position. The person who have no credibility at all cannot continue as a SEBI chairperson. Number two, there should be a JPC inquiry on this mega scam. This is the one issue we had discussed. Number two, भारत की विविधता
के बारे में किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री जी को तब अगर गुस्सा आता ना, मैं कहता हाँ यार देश के प्रधानमंत्री हैं, दलीय दायरों से ऊपर उठे हुए। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये किस सलाहकार ने प्रधानमंत्री को बताई थी? कांग्रेस की विधवा ये किस सलाहकार ने प्रधानमंत्री को बताई थी? आप चुनाव लोगों की थाली से दूर ले जाना चाहते हैं, ईडी भिजवा दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम में से कोई सैम पित्रोदा के बयान के साथ सहमत है? नहीं। कांग्रेस ने इसका खंडन किया, हमने घोर निंदा की। भारत की विविधता के बारे में किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मिला करके भारत नाम की माला बनती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, कल मैं कुछ लोगों का रिएक्शन देख रहा था, मणिपुर इसी देश की विविधता का हिस्सा है या नहीं? साल भर से वहां तांडव मचा हुआ है, लड़कियां नग्न घुमाई गई, हमारे प्रधानमंत्री जी की जुबान से कुछ सुना क्या? सुना हो तो बताइए। मैं समझता हूं कि एक राग नहीं अलापना चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लोग कूद जाते हैं, लेकिन इस पर बोलिए ना कि मणिपुर है या नहीं, क्यों टिप्पणी नहीं हो रही है? सोनिया जी के बारे में गिरिराज सिंह जी ने जो टिप्पणी की थी, प्रधानमंत्री जी को तब अगर गुस्सा आता ना, मैं कहता हाँ यार देश के प्रधानमंत्री हैं, दलीय दायरों से ऊपर उठे हुए, आप तो उठ ही नहीं पा रहे हैं साहब। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि अब देख लो प्रिंस के जो सलाहकार है वो किस तरीके से बयान दे रहे हैं, किसी को चीनी बता रहे हैं तो किसी को काला और गोरे का नहीं। मैं ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये किस सलाहकार ने प्रधानमंत्री को बताई थी? कांग्रेस की विधवा ये किस सलाहकार ने प्रधानमंत्री को बताई थी? प्रधानमंत्री जी आईना रखा करिए सामने, आपके सलाहकार तो बहुत उत्पात मचा रहे हैं, आपके सलाहकार तो इस किताब से के प्रति बुरी नजर रखे हुए जिसे भारत का संविधान कहते हैं। आप ऊल जलूल अंश शंट आधारहीन बातें कर रहे हैं इस चुनाव में बिहार में। तेजस्वी आपके समक्ष सवाल रखता है, वचन के नाम से 24 के 24 वचन, नौकरी की चर्चा है, चुनाव इस पर होना चाहिए ना, नौकरी रोजगार समावेशी आर्थिक विकास आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय, उन चीजों पर नहीं जिस पर आप चुनाव चाहते हैं। आप चुनाव लोगों की थाली से दूर ले जाना चाहते हैं, लोग नहीं जाएंगे। मनोज जी, अब फिर से अडानी और अंबानी का नाम का जिक्र होने लगा है, और अब सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पे तंज कसा है, राहुल गांधी ने भी उसका पलटवार किया है। देखिए प्रधान वही मैं कह रहा हूँ की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यही देखिए प्रधानमंत्री जी की जुबान को हो क्या रहा। मैं बार बार कहता हूँ कि इस चुनाव में पहले भी प्रधानमंत्री जी का स्केल बहुत बड़ा नहीं था भाषाई विमर्श का, अब तो ये अधोमुखी हो चुका है, नीचे की ओर ही जा रहा है। जब राहुल जी अडानी जी का नाम लेते हैं तो क्रोनी पूंजीपति और राजनीति के नेक्सस की बात करते हैं, वो दुनिया में किसी भी देश में वो स्वीकार्य नहीं है जिसको असमान आय वितरण की बात करनी हो, गरीबी उन्मूलन की बात करनी हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा काला धन स्वीकारोक्ति है कि काला धन है उनके पास, उनके पूर्व के मित्रों कह दूं अगर अब मित्रता छोड़ दी है तो, और अगर आपके पास इतनी बड़ी सूचना है कि टेम्पो में भर के गया तो देश के प्रधानमंत्री हैं साहब, आप तो किसानों के घर में ईडी भिजवा देते हैं, और आपके मित्र अमित शाह जी ईडी भिजवा दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये चुनावी भाषण से नहीं, गंभीर बात है, भिजवाइए ईडी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।